सब्सक्राइब कीजिए एमडीएम टीच चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए लेटेस्ट न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम गाइस, एमडीएम टीच चैनल में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज की जो वीडियो है वो बहुत ही यूजफुल और साथ में बहुत ही नॉलेजफुल होने वाली है, वो भी आप जैसे व्हाट्सएप यूजर्स के लिए। क्योंकि गाइस, अगर आप एक पेरेंट्स हो तो जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो को, अगर आप एक फ्रेंड हो तो वो भी जरूर देख लीजिएगा वीडियो को, अगर आप एक व्हाट्सएप यूजर्स हो तो भी आप एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अगर आप चाहते हो कि आप मतलब एक ही व्हाट्सएप को दोनों फोन में एक साथ यूज करना, तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। या फिर अगर आप एक पेरेंट्स हो, अगर आप चाहते हो कि आप अपने बच्चे पर ध्यान रखना, ठीक है, आप अपने बच्चे को गाइड करना चाहते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे जो है मतलब वो अपने फोन पे व्हाट्सएप में कुछ गलत कर रहे हैं, तो आप ऐसे में इस ट्रिक का यूज कर सकते हो। या फिर अगर आप एक फ्रेंड हो, अगर आप अपने फ्रेंड को सॉल्व करना चाहते हो व्हाट्सएप से मैसेज करके, तो आप जरूर देख लीजिएगा वीडियो को। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो फाइनली गाइस, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, साथ में बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपके चैनल पर ऐसी वीडियो मिलती रहती है। तो फाइनली फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट वाला फोन जो है मेरे हाथ पे हैंड पे है, ये वाला मेरा फोन है, और जो मेरा सेकंड वाला फोन अभी आप देख रहे हैं, ये वाला है मेरे फ्रेंड का फोन। तो फाइनली मैं अभी आपको दिखाऊंगा मेरा फ्रेंड का जो फोन है, मैं यहाँ पे अपने फोन पे दिखाऊंगा, उसके व्हाट्सएप को अपने फोन पे यूज करूंगा, ठीक है। एक ही व्हाट्सएप को उसके फोन में भी यूज करूंगा और मैं अपने फोन में भी यूज करूंगा एक ही व्हाट्सएप को। तो इसके लिए सबसे पहले गाइस मैं आपको बता देता हूँ, आप मतलब जिस भी फोन में आप यूज करना चाहते हो उस फोन के एप्लीकेशन में वहां पे आ जाना है क्रोम बंदे हैं, तो आपको यहाँ पे आ जाना है क्रोम पे आ जाने के बाद सर्च करना है, ठीक है, सर्च करना है व्हाट्सएप WHATS, देखिए व्हाट्सएप वेब, ठीक है। मैंने इतना ही सर्च किया, तब यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट्सएप वेब जो सबसे पहले वाला शो हो रहा है ना, ये वाला, तो व्हाट्सएप वेब आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद आप यहाँ पे जैसे ही ऑन करोगे तो यहाँ पे आपको 3 आइकन दिखेगा, तो यहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइट, ठीक है, डेस्कटॉप साइट पे आपको ऑन कर लेना है। व्हाट्सएप वेब को सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको 3 आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डेस्कटॉप साइट पे आपको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद जो है आपके सामने कुछ कंप्यूटर का जैसे यहाँ पे पेज खुलेगा, और पेज खुलने के बाद आपको यहाँ पे मैं इसको जूम करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो सबसे पहले जो यहाँ पे लिंक है व्हाट्सएप वेब के नाम से, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पे व्हाट्सएप वेब पे क्लिक करोगे तो आपके सामने जो यहाँ पे एक छोटा सा स्कैन वाला ऑप्शन आएगा, और ये जो है कि हैकिंग ट्रिक नहीं है। अगर ये मतलब YouTube में मैंने देख लिया तो बहुत सारे बंदे बता रहे हैं कि भाई ये एक हैकिंग ट्रिक है। तो भाई हैकिंग ट्रिक उसे बोलते हैं जो विदाउट आपके मोबाइल को टच किए व्हाट्सएप को हैक करते हैं, व्हाट्सएप को यूज कर लेते हैं, और ये कोई हैकिंग ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये वाला इतना करना है, उसके बाद आपके फ्रेंड के फोन को मतलब आपको 2 मिनट के लिए लेना है, या फिर अगर आप पेरेंट्स हो तो आपके बच्चे के फोन को 2 मिनट के लिए लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहेगा 3 आइकन दिख रहे हैं, 3 लाइन पे आपको क्लिक करना है, 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शन दिखेगा लिंकेड डिवाइस, ठीक है। तो हो सकता है आपको लिंकेड डिवाइस ना हो और यहाँ पे आपको मतलब शो करे व्हाट्सएप वेब, ठीक है, आपको दोनों में से कुछ भी शो करेगा, तो यहाँ पे मेरा लिंकेड डिवाइस शो हो रहा है, तो यहाँ पे आप इसको क्लिक कर लेता हूँ, डिवाइस है यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद मतलब वो वाला जो यहाँ पे है ना स्कैन, तो यहाँ पे आपको स्कैन कर लेता। तो गाइस यहाँ पे जो आपको फाइनली आपको स्कैन कर लेना, ठीक है, आपके जो आप अपने फोन में जो भी मतलब आपको स्कैन वाला दिखा रहा था आपके फ्रेंड को फोन के लेकर यहाँ पे ऐसे स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद आपको फाइनली इसमें आ जाना है बैक, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिएगा। तो फाइनली गाइस आप अभी देख सकते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे थोड़ा इसको जूम इट कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा पे इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है, जूम करके मैं आपको बता देता हूँ। तो फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे आप स्कैन कर लेते हो तो स्कैन करने के बाद जो होता है ना, बिल्कुल आप दोनों फोन को देखिए, ठीक है, बिल्कुल दोनों फोन को देखिए एक साथ, ठीक है। तो वहाँ पे जो जो नंबर यहाँ पे जो जो कॉन्टैक्ट है ना, यहाँ पे बिल्कुल सेम कॉन्टैक्ट यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। तो आप ऐसे करके मतलब आप एक ही व्हाट्सएप को मतलब अगर आपके व्हाट्सएप एक है, अगर आपके पास दो फोन है, अगर आप चाहते हो कि भाई हम दो फोन में एक ही व्हाट्सएप यूज करें, तो आप ऐसे में इस ट्रिक का बहुत ईजिली यूज कर सकते हो। तो आपको इतना ट्रिक अपनाने के बाद आप इजीली इस फोन मतलब ट्रिक को फॉलो करके आप एक ही व्हाट्सएप को दोनों फोन में एक साथ यूज कर सकते हो। अगर आप एक पेरेंट्स हो तो ऐसे में आप पेरेंट्स होने के नाते आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे एक मतलब यहाँ पे मैं एक मैसेज कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक मैसेज कर देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला फोन से आप देख सकते हैं, मैं यह वाला फोन से यहाँ पे मैं एक मैसेज कर लेता हूँ, मैं कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे, हेलो वगैरह कुछ भी लिख देता हूँ, HE। तो भाई यहाँ पे मैं हेलो लिखा, हेलो लिखा, मैं जैसे यहाँ पे सेंड किया ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे हेलो लिख के सेंड किया, तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक तो मतलब यहाँ पे भी शो हो गया कि भाई है मैं हेलो लिख के सेंड किया हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने हेलो चैट किया, ठीक है। तो अगर मैं इसको डिलीट भी कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे इसको डिलीट करके एवरीवन पे डिलीट किया हूँ, मैंने यहाँ पे जैसे डिलीट किया तो फाइनली यहाँ से भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे से भी रिमूव हो गया। तो इजीली जो है यहाँ से इजीली ऐसे ही मतलब एक व्हाट्सएप को दोनों फोन पे यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर आप एक पेरेंट्स हो तो आप पेरेंट्स होने के नाते भी आप अपने बच्चे को इतना कर लेना है, आपके बच्चे के फोन को इतना कर लेना, उसके बाद आपके बच्चे फोन पे जो भी करेंगे आप अपने यहाँ पे मतलब यहाँ से जो है आप अपने बच्चे के फोन को मतलब व्हाट्सएप को चेक कर सकते हो इजीली यहाँ से। इसी तरह अगर आप एक फ्रेंड हो, ठीक है, अगर आप किसी के फ्रेंड हो तो आप अपने फ्रेंड के व्हाट्सएप को भी ऐसे ही कर लेना,
ऐसे स्कैन करने के बाद आप इजीली किसी को भी मतलब उसके जो कॉन्टैक्ट होते हैं उसको मैसेज करोगे और आपके फ्रेंड बोलेगा कि भाई मेरा फोन तो कोई नहीं लिया भाई, ऑटोमेटिकली कैसे मैसेज हो रहा है। तो मैं आप इसको इजीली मैसेज भी करके बता देता हूँ, ठीक है। मैं इसी इजीली यहाँ पे चला जाता हूँ, ठीक है। मैं अभी आपको बता भी देता हूँ, यहाँ पे गया, ठीक है। यहाँ पे जाने का मैं यहाँ से कुछ मैसेज कर देता हूँ, ठीक है। मैं कुछ भी लिख दिया और यहाँ पे इसको सेंड भी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसको सेंड किया, मैं यहाँ पे जैसे सेंड किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो भी सेंड किया तो यहाँ से इजीली सेंड हो गया। मैं दोबारा मैसेज सेंड करता हूँ, ठीक है। कुछ भी लिख देता हूँ और ये मैं यहाँ पे इजीली इसको सेंड कर देता हूँ। जैसे मैं सेंड किया ना तो यहाँ से जो ऑटोमेटिकली सेंड हो जाता है। तो इजीली आप इस ट्रिक का मजा ले सकते हो, लेकिन हाँ अगर आप इस ट्रिक का मिस यूज करते हो तो इसके जिम्मेदार खुद आप होगे। क्योंकि भाई कई सारे बच्चे होते हैं कि भाई बोलते हैं कि भाई इस यूट्यूबर ने बताया कि भाई इस तरह से कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ टेक्नोलॉजी के लिए, आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आप इसका मिस यूज हरगिज भी मत करना। अगर आप ऐसा करते हो तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप ही होंगे, आप मुझको कुछ मतलब कुछ भी मत बोलना, ठीक है। अगर आपकी वीडियो आज की वीडियो अगर आपको जरा से भी नॉलेज मिल लगी है ना तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि आपको इस चैनल पे ऐसी वीडियो मिलती रहती है। और आज सेकंड चैनल के लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे MDM फाल्कन के नाम से, अगर आप एक गेमर हो तो जरूर से जाकर एक बार उसको चेकआउट कर लीजिएगा। फिर मैं नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।